Good evening, students. Welcome to our online classes. Myself, Rukmani Gupta. Today we will learn about words replacing naming words, pronoun. So let's start with us. Pronoun words which are used in place of naming words are called pronoun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो हम उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. Naming words को हम noun भी कहते हैं. So प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं. वी यूज प्रोनाउंस ही हिम हिज फॉर अ बॉय और अ मैन. हम ही और हिम ही हिम और हिज का यूज़ किस लिए करते हैं? बॉय के लिए करते हैं या फिर मैन के लिए करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज शी हर फॉर अ गर्ल और अ वुमैन. शी और हर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? गर्ल के लिए करते हैं या फिर वुमैन के लिए करते हैं. इट फॉर अ प्लेस एनिमल और थिंग. इट का यूज़ हम करते हैं प्लेस के लिए, एनिमल के लिए या फिर थिंग के लिए. फोर्थ इज आई वी मी अस यू दे देम फॉर पर्सन बॉयज गर्ल्स मैन और वुमेन. हम इनका यूज़ करते हैं पर्सन के लिए करते हैं, बॉयज़ के लिए करते हैं, गर्ल्स के लिए करते हैं, मैन के लिए और वुमेन के लिए. यहाँ पर हमारे पास सब प्लूरल वर्ड्स हैं. फिफ्थ इज लास्ट इज दे देम और ऑल्सो यूज फॉर पर्सन्स प्लेस और एनिमल्स. दे देम का यूज़ भी हम पर्सन्स प्लेस और एनिमल्स के लिए करते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल आई वी यू दे ही शी इट. पर्सनल प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जो जब हम बोलने वाले या सुनने वाले और जिसके बारे में हम कोई बात कही जाए, इन तीनों के बारे में जब कोई नाम जब कोई बताएगा हमको तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पॉजिटिव प्रोनाउन. पॉजिटिव प्रोनाउन ही एग्जांपल दिस इज़ माय लैपटॉप इट्स माइन. इसके एग्जांपल और भी हैं योर्स हर्स आवर्स एक्सेट्रा. इसमें इंडिकेट करता है ओनरशिप यानी कि दिस इज़ माय लैपटॉप ये मेरा है और माइन. इसमें ओनरशिप शो हो रही है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रोनाउन में हमें इसे रखा है. थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जांपल हर सेल्फ आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जब किसी वर्ब या जब किसी वर्ब या फिर नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु के वस्तु हो तो उसे हम तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. इन्फेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ थ्रू स्टोन ऑन हिज कार. एग्जाम्पल इम्फेटिव प्रोनाउन में हम दे कंजिस्ट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पे कंजिस्ट करते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन को जैसे कि आपका एग्जाम्पल में शो किया गया है. फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल दिस दैट डीज दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जब किसी स्पेशल पर्सन या फिर स्पेशल थिंग के बारे में जब हमें बताया जाए तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा. जैसे कि दिस इज़ माई कोट दैट इज़ योर पेन. सो यहाँ पर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा. सिक्स्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. एग्जाम्पल एवरीबडी एनीबडी एनीबडी समबडी ऑल ईच एवरी एक्सेट्रा. इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जब किसी डिसाइड पर्सन या जब या किसी डिसाइड थिंग के बारे में जब हमें पता नहीं होता है तो वो हमारे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं. उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि दे से यू आर हैप्पी. वो कहते हैं कि तुम खुश हो. इसमें वो किसी पर्सन के बारे में हमें पता नहीं है कि वो पर्सन कौन है. वो यानी कि डिसाइड ही नहीं है कि वो नेम किसका है तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा. सेवेंथ इज रिलेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल द वुमेन हु इज लाफिंग लाउडली इज एन ईडियट. सो रिलेटिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जब किसी पहले से आए हुए नेम से रिलेटिव हो तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर हु इज लाफिंग. यहाँ पर जो हु है वो हमारा पहले से आए हुए नेम से रिलेटिव है तो
हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा. एट्थ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन एग्जांपल हु आर यू व्हाट डिड यू से. जब किसी क्वेश्चन जब जहाँ पर पुटअप होगा जिस प्रोनाउन में तो वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा. लास्ट सेक्शन इज योर होमवर्क. सर्कल द प्रोनाउन. आपको सेंटेंसेस फाइव सेंटेंसेस राइट है. यहाँ पर आपको इन फाइव सेंटेंसेस में प्रोनाउन सर्कल क्रिएट करना है, प्रोनाउन फाइंड आउट करना है एंड सर्कल क्रिएट करना है. फर्स्ट इज़ दे प्लेड टुगेदर एवरी डे. सेकेंड इज़ आई एम सो हैप्पी यू आर माई फ्रेंड्स. दिस मेड देम सैड. दे लुक्ड एट ईच अदर. दे रियलाइज दे शुड नॉट फाइट. आपको इसमें प्रोनाउन फाइंड आउट करके सर्कल क्रिएट करेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.